नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट टाइम स्पिरिचुअल। आपके साथ मैं हूँ रीना। बेटी की शादी होते ही परिवार सहित अन्य बड़ी अपेक्षा करने लगते हैं कि निकट भविष्य में छोटे बच्चों की किलकानियां घर में गूंजेंगी। विवाह उपरांत घर के अन्य सदस्यों की अपेक्षा गलत भी नहीं है, लेकिन जब भी किन्हीं कारणों से साल, दो साल या तीन साल बीतने के बाद भी उन्हीं घर वालों को छोटा बच्चा खिलाने को नहीं मिलता तो वे बेचैन हो जाते हैं। लोग तरह तरह की चर्चाएं भी शुरू कर देते हैं, यहाँ तक कि उस बहू द्वारा बड़ों के पैर छूने पर इसी तरह का आशीर्वाद देने लगते हैं। कई प्रकार के उपाय और टोटके भी किए जाते हैं। फेंग शुई में इस समस्या का बहुत ही सटीक और सरल उपाय बताया गया है। इस उपाय का उपयोग करने से घर के अंदर जल्द ही किलकारियाँ गूंजने लगती है। फेंग शुई में हाथियों का जोड़ा संतान सुख की प्राप्ति के लिए बहुत ही शुभ माना गया है। मान्यता है कि यदि निसंतान दंपति के बेडरूम में बेड के पास की टेबल पर हाथियों के जोड़े की मूर्ति रखनी चाहिए। हाथियों के जोड़े की इस मूर्ति को रखने के कुछ समय के बाद ही उनकी गोद भर जाएगी और घर के बड़े बुजुर्गों को भी उस सुख की प्राप्ति होगी। हाँ, हाथियों की जोड़ियों में रखने से एक बात का ध्यान रखना होगा कि दो हाथियों की मूर्ति एक साथ हो तो ही शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। यदि बाजार में आसानी से नहीं मिल पा रहा है तो आप दो हाथी एक ही आकार के ले लें और उन्हें निसंतान दंपत्ति के बेडरूम में सिरहाने की तरफ रख दें। यह किसी दिशा से संबंधित नहीं है, इन्हें बेड के किसी भी सिरहाने की ओर रख सकते हैं। ध्यान रखें, दोनों हाथी जोड़े से रखें। इस मामले में आप बेडरूम की सजावट के चक्कर में एक दोनों कोनों पर एक एक रखने की भूल कतई ना करें। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे आने वाले वीडियोस के अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।